कटक के नरगुंडी रेलवे स्टेशन पर कोहरे की वजह से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की 7 बोगियों बेपटरी हो गई। हादसे में 40 यात्री घायल हो गए। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर भ्रम दूर करने में जुटी सरकार ने एनपीआर फॉर्म में बदलाव किए हैं। एनपीआर फॉर्म में अब पैन की जानकारी नहीं देनी होगी, साथ ही बायोमेट्रिक भी नहीं मांगा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। 17 जनवरी से बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करना भी शुरू कर देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि उम्मीद है कि बीजेपी प्रत्याशी 17 जनवरी से नॉमिनेशन करना शुरू कर देंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र भी नॉमिनेशन होते होते आ जाएगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5 साल तक जनता के साथ छलावा किया। जिन विधायकों और पार्षदों को आपने टिकट दिया उन पर गंभीर आरोप है। आज गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनता को संबोधित भी करेंगे। निर्भया के दोषियों की फांसी में देरी हो सकती है। आज दोषी मुकेश की डेथ वारंट के खिलाफ याचिका पर सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी और हाईकोर्ट ने डेथ वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सत्र न्यायालय जाने की नसीहत दी थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर की डिजाइन तय करने के लिए आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में यूपी से भी कुछ विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन तय होने के बाद अयोध्या में 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के स्थान चयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति ली जाएगी। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में मौसम विभाग ने 2 दिनों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में भारी हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में हिमस्खलन की संभावना जताई है और साथ ही सैन्य बलों से आवश्यक एहतियात बरतने का निर्देश भी दिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अब सरकार इनकम टैक्स में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आगामी बजट 2020-21 में उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। आगामी बजट में सरकार की ओर से मौजूदा 3 टैक्स स्लैब की जगह 4 टैक्स स्लैब प्रस्तावित करने की संभावना है। बजट में 2.5 लाख से 10 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए 10% टैक्स रेट और 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक आय वालों के लिए 20% टैक्स का प्रस्तावित किया जा सकता है। समराला में लुधियाना चंडीगढ़ मार्ग पर एक फैक्ट्री में सिलेंडर का रेगुलेटर फटने से 3 लोग झुलस गए। इनमें से 2 लोगों की हालत काफी गंभीर होने के कारण उन्हें चंडीगढ़ में रेफर किया गया। चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसमें नेताओं ने राज्यपाल से महंगी बिजली के मुद्दे पर बातचीत की। जिलाध्यक्ष सुरेश महाजन के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पंजाब में लागू करवाने के लिए कैप्टन सरकार के विरोध में अमृतसर जिलाधीश के दफ्तर में ज्ञापन सौंपा। पट्टी हल्के के विधायक हरमिंदर सिंह गिल ने पिछले दिनों हरीके में एक सभा के दौरान विवादित भाषण दिया था, जिसको लेकर वो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बता दें कि हरमिंदर सिंह गिल ने दरबार साहिब की संगत को लेकर टिप्पणी की थी। अमृतसर के श्री दरबार साहिब मार्ग पर 9 युवकों ने गिधा और भंगड़ा दर्शाते हुए पुतलों को हथौड़े से तोड़ा है। फिलहाल पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर सुल्तानपुर लोधी के पास बूसोवाल रोड पर कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। अकाल अकेदमी स्कूल की अब के बच्चों की भरी बस जो है वो सड़क पर पलट गई। लुधियाना के सेक्टर 32 में केएसआई ने एक महिला के घर में घुसकर गोली मार दी, मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया। पंजाब में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। पठानकोट में सुबह कोहरे का असर देखने को मिला। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गई, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मलेरकोटला रोड पर कोहरे के चलते सड़क पर एक के बाद एक कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में एक टिपर और ट्रक में आग लग गई, जबकि एक जीप पलट गई। इसके अलावा भी कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजेश हनी का कहना है कि सीए जो कि केंद्र सरकार लागू कर रही है, लेकिन पंजाब सरकार ने बिल को लागू करने से मना कर दिया। इसके लिए ये मांग पत्र दिया गया है कि सीए को पंजाब में भी लागू किया जाए, ताकि शरणार्थियों को इसका फायदा मिल सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में 17 जनवरी को खेला जाएगा। बता दें कि मुंबई में पहले मैच को 10 विकेट से अपने नाम कर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।